स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम एक अपडेट लेकर आए हुए हैं कि इंडियन रेलवे में जो है क्या और डेवलपमेंट होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। ठीक है, तो एक न्यूज में ऑलरेडी निकला हुआ है, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए आपका हेडलाइन है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए हेडलाइन दिया हुआ है, इंडियन रेलवे कैबिनेट अप्रूव द 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट वर्थ ओवर RS 32,000 करोड़। ठीक है, 32,000 करोड़ का ये जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, यानी कि इंडियन रेलवे में क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन ए बिग बूस्ट टू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनियन कैबिनेट ऑन वेनसडे यानी कि 16 अगस्त यानी कल का न्यूज है ये, अप्रूव 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। 7 जो है मल्टी ट्रैकिंग यानी कई सारे मल्टीपल ट्रैक होंगे, 7 ऐसे प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया है। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है, जो कि डिस्टेंस को कवर करेगा 2339 किलोमीटर। ठीक है, पूरा जो अक्रॉस इंडिया में रेल नेटवर्क है उसमें जो 2339 किलोमीटर डिस्टेंस में जो है ये होने वाला है। प्रोजेक्ट अमाउंट हमने बता दिया आपको, द प्रोजेक्ट अमाउंट टू अराउंड 3200 करोड़ विथ 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो 3200 करोड़ का जो इस पे इस प्रोजेक्ट पे जो 7 प्रोजेक्ट की बात की गई, इस पे जो खर्चा आएगा इसका सारा जो खर्चा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगा। ठीक है, ऑल दीज ट्रैक लिंक प्रोजेक्ट वुड बी कैरीड आउट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल सेड, जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि जो भी इस ट्रैक लिंक प्रोजेक्ट में जो भी कैरीड आउट होगा, ठीक है, उसमें जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया सामान का, कंस्ट्रक्शन मॉडल हो गया, ठीक है, ये सब जो है डिसाइड होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद, ठीक है, ये हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। द प्रपोज्ड मल्टी ट्रैकिंग विल ईज ऑपरेशन एंड रिड्यूस द ऑपरेशन, प्रोवाइड द मच रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन द बिजिएस्ट सेक्शन अक्रॉस द। जो ऑल ओवर जो है इंडियन रेलवे है ना, पूरा जो सेक्शन इंडियन रेलवे का है, तो कहीं कहीं पे जो बिजिएस्ट रूट है, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे ट्रेन डिले हो जाता है और भी सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे जगहों पे जो 7 प्रोजेक्ट नॉमिनेट किए जाएंगे ऐसे जगहों पे जो है फोकस किया जाएगा। इट विल हेल्प द रेलवे टू इंक्रीज द कार्गो कैरिंग कैपेसिटी बाय 20 मिलियन टन, सेड वैष्णो। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि यह जो प्रोजेक्ट है कार्गो यानी कि जो सामान ले जाने वाले जो ट्रेन्स होते हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको जो है 120 मिलियन टन को जो है इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगला कुछ स्टेटमेंट और है, द मेगा प्रपोजल क्लियर्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनवेसेज जनरेशन ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अबाउट। ये बोल रहे हैं कि जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इससे 7.06 करोड़ मैंडेट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब ये 7 प्रोजेक्ट जिसकी बात की जा रही है जब ये स्टार्ट होगा तो ऐसा बोला जा रहा है कि 7 करोड़ का जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बाकी उस समय देखेंगे कि ऐसा क्या होता है। ठीक है, आगे द प्रोजेक्ट कवरेज 35 डिस्ट्रिक्ट, ये जो 7 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है मल्टी ट्रैक का, इसमें जो है आपका 35 डिस्ट्रिक्ट जो है कवरेज होंगे। ठीक है, और ये 35 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस स्टेट पर होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये सारे जो स्टेट हैं इसमें
35 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे, जो ये आपके 2339 किलोमीटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ था ये पॉइंट, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या है। दीज आर इसेंशियल रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरीड बास्केट ऑफ द कमोडिटी सच एज फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, कोल, ठीक है, ऑयल हो गया, फर्निस स्टील हो गया, मतलब ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं जो है ये सब जो है इन रूटों से ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वर्क विल रिजल्ट इन एडिशनल फ्राइट ट्रैफिक ऑफ मैग्नीट्यूड 200 मिलियन टन पर एनम, ठीक है, पर एनम जो है 200 मिलियन टन जो है कैपेसिटी हमारा जो है क्रिएट हो जाएगा अगर ये हमारे ये जो 7 प्रोजेक्ट हैं ये बन जाएंगे तो, ठीक है। द रेलवे बीइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड एनर्जी इफिशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल हेल्प द बोथ अचीविंग क्लाइमेट गोल एंड रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब इस प्रोजेक्ट से हमें और क्या मदद मिलेगा, एक तो इन्वायरमेंट सेफ्टी में हेल्प मिलेगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि जो हमारा लॉजिस्टिक कास्ट है कंट्री का वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हेल्प हमें ये मिलेगा। अगला एक पैराग्राफ है, द प्रोजेक्ट आर इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ न्यू इंडिया विच विल मेक पीपल ऑफ रीजन आत्मनिर्भर बाय द क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है तो ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो न्यू इंडिया के तहत, विजन न्यू इंडिया के तहत बन रहा है, ठीक है, और इससे आत्मनिर्भर बाय क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इससे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और अगला एक पैराग्राफ है, द प्रोजेक्ट आर ए पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी थ्रू। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका जो प्राइम मिनिस्टर का मतलब एक जो पार्ट किसका है, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का ही एक मॉडल पार्ट है ये, जिसका हम अभी 7 प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है जिसमें 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है, ठीक है। थ्रू द इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड विल प्रोवाइड द सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल गोल है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो आपका रोल मॉडल है ये प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है, ठीक है, और ये हमें क्या करेगा, पीपल कनेक्टिविटी, गुड्स सप्लाई, ठीक है, सर्विस में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो न्यूज है, ठीक है, आप इसको न्यूज मान लीजिए। और चूंकि हम मैं इंडियन रेलवे से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ इसलिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड ये था। भविष्य में क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इससे भी आपको एक आइडिया लगेगा। और ये 7 प्रोजेक्ट हैं तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट ऑब्वियसली जो है एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही होगा चूँकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगा कि नेक्स्ट इंडियन रेलवे में क्या और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इस तरह से बहुत सारी वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा, इसके लिए आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।